छह राउंड की बातचीत के बाद भी चीन नहीं आ रहा अपनी हरकतों से बाज। जी हम बात कर रहे हैं चीन और भारत की तनातनी की, जो पिछले लंबे समय से LSE पर चल रही है। लद्दाख के रीजन में पहले भी हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं और उसी में चाइना के कई जवान भी शहीद हुए थे, पर उसके बाद भी चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी तक छह राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिसमें दोनों आर्मी के हाई कमांडिंग ऑफिसर्स ने इस मुद्दे पर बातचीत की, पर अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, इसका कोई हल नहीं निकाल पाए कि आखिर क्या आर्मी पीछे हटेंगी, क्या ये जो युद्ध जैसा क्षेत्र बन रहा है वो कम हो पाएगा या आखिर में युद्ध ही होगा। अभी चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने इस सारी तनातनी का जो वजह बताई है, वो कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में हो रहे विकासशील ढांचा, मतलब कि जो वहाँ पर विकास हो रहा है, वहाँ पर ब्रिज बन रहे हैं, वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, वो इस तनातनी की वजह है। कहीं ना कहीं ये चीन की उस बौखलाहट को भी दिखाता है कि वो डर रहा है कि अगर इसी तरह अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे रीजन्स में विकास होता रहा तो उसका जो उसकी जो मंशा है कि वो वहाँ पर कब्जा करना चाहता है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएगी। इस पर चीन ने तर्क ये दिया है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वो दोनों के दोनों जो राज्य हैं या रीजन्स हैं वो भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो विवादित क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोई विकास भारत नहीं कर सकता। इस पर पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि उस पर सिर्फ भारत का अधिकार है, वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है और वहाँ के विकास का हक भी सिर्फ भारत को है और अगर वहाँ चाहें तो वो सड़कें या ब्रिज बना सकते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि चीन कब तक इसी चीज पर अड़ा रहता है और कब तक LSE पर यही तनातनी बनी रहती है। अभी सातवें राउंड की जो बातचीत है उसके लिए भी दिन तय कर लिया गया है और अब देखने वाली बात यह है कि सातवें दिन की बातचीत में, सातवें राउंड की बातचीत में क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या इसका कोई हल होता है या पहले की तरह ही LSE पर तनातनी चलती रहेगी। कैमरा पर्सन गरिमा तोमर के साथ मैं रूपल, ACP न्यूज़, पानीपत।